भारतवासियों याद करो, ऐ भारतवासियों याद करो, उस पूर्व के जल दुर्ग को रोंगटे खड़ा कर देने वाले उस पवित्र महाद्वीप को। दुख है जहाँ समाधियाँ स्वतंत्रता संग्राम वीरों की, कर लो याद कम से कम उन अभागे जातियों की, ऐ भारतवासियों याद करो। है समाया जिसके सागर में गंगा जमुना का पवित्र जल रहते हैं, वहाँ अब भी भाई बहनों का एक बड़ा दल। भारत के हर प्रांत के लोग पाएंगे आप वहाँ, भारत की हर बोली सुन पाएंगे आप यहाँ। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मातृभूमि को देखा नहीं, फिर भी रखते पास अपने हैं सुनहरी याद कभी, भारतवासी याद करो। कुछ तो ऐसे हैं जो सुनाते पुरानी दास्तां, हर पत्थर दिल को खिलाने वाले कारस्तान। झगड़े आते थे पहले हथकड़ियों में हमारे भाई, है उन्हीं को ही देनी अब स्वतंत्रता की बधाई। है भारतवासी याद करो, उस पूर्व के जल दुर्ग को रोंगटे खड़ा कर देने वाले उस पवित्र महाद्वीप। एक लंबी यात्रा तय करता हुआ मैं इस तीर्थ स्थल तक आया हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, इन सुदूर टापुओं और भारत के स्वाधीनता संग्राम के बीच जुड़े गहरे रिश्ते को समझना भी मेरा उद्देश्य है। बंगाल की खाड़ी में बसे अंडमान और निकोबार के ये द्वीप कलकत्ता से 1200 किलोमीटर दक्षिण में और मद्रास के पूर्ववर्ती तट से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कभी ये द्वीप लगभग जनविहीन थे। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को निर्वासित कर भारत भूमि से दूर रखने के लिए इन्हीं टापुओं को चुना था। लगभग 4000 क्रांतिकारी सैनिकों को आजन्म कारावास की सजा भुगतने के लिए यहाँ भेजा गया और इस तरह ये निर्जन टापू आबाद हुए। स्वाधीनता संग्राम के वीर सैनिकों के साथ यहाँ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, नृशंसतम अपराधियों से भी अधिक क्रूर। इन वीर देशभक्तों से यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन और जंगल साफ करवाए जाते थे ताकि इन्हीं के लिए यहाँ पर एक कारागार बनाया जा सके। तब यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत भयानक थीं। मलेरिया, जोंक, विषैले बिच्छू और ऐसे ही न जाने कैसे कैसे संकट कदम कदम पर बिखरे हुए थे। रॉस आइलैंड, सबसे पहला काम था यहाँ गोरे अफसरों के लिए सुविधाजनक मकानों का निर्माण। विलासितापूर्ण बालरूम, चीफ कमिश्नर का शानदार घर, चर्च और बैरक सभी विंडसर कैसल के आसपास के क्षेत्र के नमूने के आधार पर बनाए गए। घने जंगलों में एक छोटा सा इंग्लैंड बसाया गया, बंदी बनाकर लाए गए 600 स्वाधीनता सेनानियों के हाथों। उन दिनों अंडमान टापू पर भेजा जाना जीते जी मौत की सजा से कम नहीं था, तभी इसे काला पानी कहा जाता था। एक अंग्रेज पर्यटक बॉर्डन क्लॉस ने यहाँ के आतंकमय वातावरण का वर्णन करते हुए कहा था कि निकटवर्ती वाइपर आइलैंड पर बंदियों को अगर कोई आजादी है तो सिर्फ भयानक विष भरे सांपों से मित्रता करने की। कौन जाने कितने बंदी जिंदा बच पाते थे। फरवरी 1872 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इन क्रूर परिस्थितियों से त्रस्त एक क्रोधी पठान शेर अली ने मेयो को चाकू से घायल कर दिया।
लॉर्ड मेयो की मौत, शेर अली को फांसी। तत्काल यहां भी लंदन के पेंटोविला कारागार के अनुरूप, पर उससे भी कहीं अधिक विशाल एक कारागार बनाने का निर्णय लिया गया। सन 1893 में कारागार के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लगभग इसी समय शिकागो के विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद और विश्व के कई अन्य महान विचारक मनुष्य की आत्मिक स्वतंत्रता पर चिंतन कर रहे थे। और सुदूर अंडमान में आतंक और दमन की पाश्विक दीवारें खड़ी की जा रही थी। एक क्रूर कारागार बनाया जा रहा था ताकि मनुष्य की आत्मा को, उसके आत्मबल को हर कीमत पर कुचला जा सके। स्वाधीनता संग्राम के उत्कर्ष के साथ साथ काला पानी में बंदियों की संख्या भी बढ़ती गई। देश के कोने कोने से निर्वासित होकर आने वाले देशभक्त बेड़ियों में जकड़े हुए अपने घर, अपने परिवार, अपनी धरती से दूर यहाँ इन काल कोठरियों को आबाद करते रहे। इनमें से कितने ही जीते जी अपनी धरती पर वापिस न लौट सके। ये आजादी के दीवाने यहाँ आए थे सिर पर कफन बांधकर, मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने का अदम्य संकल्प लेकर। वो संकल्प जो बेड़ियों की झंकार बनकर कारागर की मनहूस दीवारों को हमेशा ललकारता रहा। सेलुलर जेल के प्रवेश द्वार पर दिल दहला देने वाले उपकरणों की सजावट रहती थी ताकि जेल में कदम रखते ही कैदी आतंकित हो जाए, उसका आत्मबल लड़खड़ा जाए। इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखने का कारण था इसकी वो काल कोठरियां जिनमें प्रत्येक बंदी को अलग अलग कैद रखा जाता था, एक दूसरे से अलग, नितांत अकेला, अपने साथी बंदियों के साथ संपर्क की उसे कोई गुंजाइश नहीं थी। इन बंदियों में शामिल थे अलीपुर बम कांड के वीर क्रांतिकारी बारिंद्र घोष, इंदुभूषण रे और आशुतोष लाहिरी। नासिक षड्यंत्र केस में दंडित दाजी नारायण जोशी, बालाराव दामोदर सावरकर और वीर सावरकर। गदर पार्टी के भान सिंह, बाबा सोहन सिंह, बाबा मंदन सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, राम शरण दास और अन्य। लाहौर षड्यंत्र केस के भाई परमानंद, पृथ्वी सिंह आजाद और अन्य। खुलना षड्यंत्र केस के बिंदुभूषण डे, नगेंद्र चंद्र देव, केहर सिंह और प्रमथ घोष। ऊटकमंड के शंभुनाथ आजाद, आंध्र के रंपा किसान विप्लव के विद्रोही, चिटगांव शस्त्रागार कांड के नेता अनंत सिंह, रणधीर दास, गणेश घोष और अन्य। और मातृभूमि पर मर मिटने वाले ऐसे सैकड़ों स्वाधीनता सैनिक जो देश की खातिर इन काल कोठरियों में हंस हंस कर दारुण यातनाएं झेलते रहे, मौत से बदतर जिंदगी जीते रहे, गुमनामी की मौत मरते रहे। रात दिन अलग अलग चौकियों से इन बंदियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। सेलुलर जेल में मनमानी, अन्याय और अत्याचार का मानो अंधा राज था। प्रत्येक बंदी को पहले 6 महीने नियमित रूप से एकांत कारावास भोगना ही पड़ता था। यदि कोई बंदी शिकायत के लिए मुंह खोलने की हिम्मत करता तो उसे 3 महीने खुरदरे बोरों का कष्टप्रद लिबास पहना दिया जाता, जिसके कारण उसका शरीर बुरी तरह छिल जाता था।
प्रत्येक बंदी को अपनी दैनिक क्रिया अपनी कोठरी में ही पूरी करनी होती थी। प्रतिदिन 2 पौंड नारियल के रेशे उसे अपनी तंग कोठरी में ही छीलने होते थे। यदि वो नारियल के बारे में शिकायत कर बैठता तो उसे नागफनी या कोई अन्य कांटेदार पौधे दिए जाते ताकि हाथों की पीड़ा उसके दिलो दिमाग तक गहरी उतर जाए। सबसे अधिक दारुण यंत्रणा थी कोल्हू चलाकर तेल निकालने की। बैल की तरह कोल्हू में जुतकर उन्हें प्रतिदिन 30 पौंड तेल निकालना होता था। ये मात्रा पूरी न कर पाने की दशा में उन्हें दूसरे दिन फिर कोल्हू में बांध दिया जाता था। यदि कोई बंदी जेल के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करता था तो उसे एक दीवार के साथ हथकड़ी बांधकर पूरे 7 दिन तक खड़ा रखा जाता था। जब किसी बंदी को कोड़े मारने की सजा दी जाती तो दूसरे सभी बंदियों को यह दृश्य देखने पर मजबूर किया जाता था। ये बर्बरता उस दौर में जारी थी जब यूरोप सारी दुनिया को मानवतावाद की नसीहत दे रहा था। प्रत्येक बंदी को मजबूर किया जाता था कि वो अपने साथी को मृत्युदंड दिए जाते हुए देखे। ऐसे संगठित अत्याचार के सतत प्रहारों से कई बंदियों की सहन शक्ति जवाब दे जाती थी और इसकी परिणति होती थी आत्महत्या में। ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकुशलता का ये एक ऐसा पहलू है जिसकी गवाह हैं इस सेलुलर जेल की खामोश दीवारें। कभी कभी मृतकों के शव सौंप दिए जाते थे यहाँ के इन निवासियों को जो बहुत पहले यहाँ आकर बस जाने वाले क्रांतिकारियों की संतान थे। अपनी खोज के दौरान मैंने पाया ऐसे कितने ही लेखक और कवि यहाँ बंदी जीवन बिता चुके थे जिनकी प्रतिभा को सेलुलर जेल की दीवारें भी कैद न रख सकीं। दीवारों पर अंकित उनके गीतों पर सफेदी पोत दी जाती थी, फिर भी जिंदा बच रहने वाले बंदी उन गीतों के प्रत्येक शब्द को याद रखते रहे। पड़ोस की काल कोठरी से आने वाली हर आह इन गीतों में मुखरित होती रही। पितृभू पुण्यभूश्चैव कवै हिन्दुरिति स्मृतः तुझा।
सची गाना छड़ी बिरह वेदना प्राण। सन 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने इन टापुओं में निर्वासन की नीति में परिवर्तन की मांग की। बार बार होने वाली भूख हड़तालों और कांग्रेस की जोरदार मांग का नतीजा था 1938 में राजनीतिक बंदियों की रिहाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने इन टापुओं पर कब्जा कर लिया तो कुछ सैनिकों ने यहाँ बड़ा उत्पात किया। उन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी के शक में यहाँ के कई निवासियों और कर्मचारियों को मौत के घाट उतार डाला। जिन कब्रों में उन्हें दफनाया गया वे भी स्मरणीय स्थल हैं। December 29, 1943 पोर्ट ब्लेयर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐतिहासिक आगमन। सेलुलर जेल में जाकर नेताजी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दास्ता और अमानवीय अत्याचारों की धरती पर पहली बार आजाद भारत का झंडा शान से लहरा उठा। आजादी आई, अंडमान और निकोबार द्वीप उपनिवेशी अभिशाप से मुक्त हुए, काला पानी की अमानवीय परंपरा का नामो निशान मिट गया और इस तरह सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया। तो यही है वो पुण्य स्थली जहां मैं आया हूं। कितने ही ऐसे नाम हैं जो मुझे रह रहकर याद आ रहे हैं। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये स्मृति सौंप जाना चाहता हूँ। स्मृति उन देशभक्तों की जिनका अदम्य आत्मबल न जंजीरों में जकड़ा जा सका, न क्रूर पाशविकता के प्रहारों से तोड़ा जा सका, जिनके बलिदानों से भारत की स्वाधीनता का सपना साकार हो सका। भारत के हर प्रांत के लोग पाएंगे आप वहाँ, भारत की हर बोली सुन पाएंगे आप यहाँ। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मार